हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो क्रेव हर्मिट पॉडकास्ट। मेरा नाम है सैयद स्किल और आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो निर्वाण की ऑनर पूनम वैश। तो मैम, आप एस्ट्रो निर्वाण के बारे में बताइए, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली है क्या और हमारे रियल लाइफ में इसका कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं? एस्ट्रोलॉजी एक ग्रहों की गणितीय गणना है ना, और जो आकाश में सारे ग्रह जो घूम रहे हैं उसका उस समय जब एक बालक जन्म लेता है, जब एक भ्रूण बनता है तब भी, और जब एक बालक जन्म लेता है तब भी, दोनों समय जो ग्रहों का उस पर इम्पैक्ट आता है, जो ग्रहों से निकलने वाली उत्सर्जित जो किरणें होती हैं उनका इम्पैक्ट आता है, वो उस बालक के अंदर एक परिवर्तन लाते हैं और वो परिवर्तन के कारण उसके जीवन में कुछ होने वाली विशेष घटनाएं निर्धारित हो जाती हैं। उन्हीं निर्धारित समय पे, कौन से समय पे कौन सी घटना होने वाली है, ये एक एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से गणना कर सकती है। लेकिन यही है कि इन ग्रहों की गणनाओं को अध्ययन करना और सही तरह से उसका निष्कर्ष पर जाना, ये कठिन काम है जिसको करने के लिए काफ़ी, मतलब, आपको मेहनत करनी होती है। बहुत आसान चीज़ नहीं है जिसको हम बहुत तुरंत से किसी का रिप्लाई कर सकें। तो आप मैम, जब अगर हम लोग को पता है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम लोग सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो फिर उसकी सॉल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करके, अगर ऐसे चाहे तो फिर हमारे रियल लाइफ में, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो अपने प्रॉब्लम को जान के पहले से ही उसकी सॉल्यूशन निकाल लें। तो कुछ हद तक आपकी बात सही भी है, कुछ हद तक मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी हमारी कुंडली बनती है, जब हम बालक जन्म लेता है और कुंडली बनती है, तो वो तीन तरह से उस पर आधारित होती है। एक तो माता पिता और उस बालक का स्वयं का कर्म, क्योंकि कुछ समय तक पिता के कर्मों पर उस बालक का जो भी फल होता है, पिता के जो भाग्य होता है उस पर आधारित होता है, उसके बाद माता के भाग्य पर आधारित होता है, फिर उस बालक के अपने कर्मों पर, अपने जो पास्ट लाइफ के कर्म जो उसने संचित करके आया। क्योंकि एक बालक का जन्म अगर कहीं पर होता है, एक ही समय में दो सौ लोगों का जन्म होता है, अलग अलग वातावरण में होता है, अलग अलग घर में होता है, ये उसका प्रारब्ध होता है, ये उसके पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, जो संचित कर्म है उसके आधार पर होता है। तो कहीं ना कहीं उसके माता पिता के कर्मों पर भी आधारित है कि वो बच्चा कैसा होता है। और तो हम लोग एकदम नहीं कह सकते कि उसकी लाइफ में होने वाली हर घटना को हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो जो प्रारब्ध लेकर आया है बालक, वो तो उसे भोगना है, वो कर्मों का अच्छा या बुरा जो भी फल है वो तो उसे भोगना ही है। लेकिन ये है कि हम उन घटनाओं को पहले से देख करके उसमें कुछ सुधार अवश्य कर सकते हैं। जैसे कि मैम, मेरे देखने वाले अभी जो मुझे देख रहे होंगे या मेरे दोस्त हैं जो भी है, बेसिकली सब लोग ऐसा जानते हैं मेरे बारे में कि काफी ज्यादा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि काफी ज्यादा हर चीज में, हर काम में मुझे प्रॉब्लम फेस होती है, मतलब यहाँ इनफैक्ट आने में भी कुछ इश्यू होगा, हर चीज में अगर कुछ अच्छा करने के लिए जाता हूँ तो कुछ ना कुछ होता है। तो मैं अपने बारे में जानना चाहूंगा कि इसका क्या इफेक्ट है। मैं डीपली पहले तो मैं तुम्हारे बारे में बताऊं कुछ कि तुम किस नेचर के हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कोई इंसान, क्योंकि आपसे हमारी जो मुलाकात हो रही है पहली बार हो रही है, और हमने बस अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सारा चीज बताया है, और उसके बारे में हमने भी आपके बारे में उतना नहीं जाना, आपने भी हमारे बारे में नहीं जाना, ये पहली मुलाकात है। तो जैसे कुछ चीजें हैं कि कोई भी इंसान वो काम करता है जो उसके, जो उसका हॉबी होती है, जो उसका रुझान होता है, भले वो पढ़ाई कुछ करे, हो सकता है कई बार लोग इंजीनियरिंग करते हैं और उसका बिजनेस पे आ जाते हैं, तो वो उसका रुझान सबसे बड़ी चीज होती है। और तुम्हारा रुझान है क्रिएटिविटी, तो एक बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो, मतलब नॉलेज लेना, किसी चीज़ को सीखना, किसी नई चीज़ को सीखना तुम्हारे अंदर बहुत वो रहती है, इच्छा रहती है हमेशा, और किसी से पढ़ना पढ़ाना, किसी को नॉलेज देना, ये भी हमेशा तुम्हें बहुत पसंद है। पर माइंड बहुत फिकल है, बहुत जल्दी परिवर्तित होता है, कभी ये कभी वो कभी वो, और लाइफ में बहुत कंफ्यूजन बने रहते हैं, और ये जो कंफ्यूजन बनते हैं इसके कारण रॉन्ग डिसीजन होते हैं, इसके कारण ही कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में जो कर रहे हो उसमें फेलियर भी हो जाते हो। हालांकि फिजिकल एनर्जी पावर बहुत है आपके अंदर, शारीरिक क्षमता इतनी है कि जितना काम करा लो कभी थकोगे नहीं, एक मतलब। और दूसरी एक बात है कि आप जहाँ भी जाओगे
वहाँ भले शांति क्यों ना बैठे रहो, आप एक अपनी छवि छोड़ के आओगे, वहाँ लोग याद रखेंगे कि अच्छा हाँ इससे मिले थे, अच्छा मतलब एक था कोई जिसे मिले थे, याद रह जाता है ना। तो वो एक जो बोलते हैं ना मीन लगना वाला इंसान और वृष राशि वाले इंसान बहुत इस तरह के बिहेवियर के होते हैं कि लोगों पर अपनी एक असर छोड़ के आते हैं। बोलने में बहुत अच्छे माहिर होंगे, बोलना आपको आएगा, अच्छे ओरेटर हो, अच्छा एक अच्छे क्रिएटिविटी वाले हो, क्रिएटिव चीज़ें बहुत पसंद है। और मैं कहूँ तो एक्टिंग, दूसरों की एक्टिंग, मिमिक्री है ना, बहुत अच्छा सिंगिंग, सिंगिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन के रूप में बनेगा जो कि आपको नेम और फेम दे देगा। अपनी सिंगिंग को भी एक जो बोलते हैं एक ऊंचाई पर लेके जाना बहुत अच्छा तुम्हारे लिए सपोर्टिंग होगा। ऐसे तो मुझे इन सब बातों पे बिलीव नहीं रहता था, लेकिन आज जब मैम बता रही हैं तो लग रहा है ऐसा कि एस्ट्रोलॉजी में सच में कुछ बात है। तो, और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है कर्मा से? हाँ, कर्मा से, कर्म एक्चुअली देखा जाए तो पूरी एस्ट्रोलॉजी कर्म पर ही आधारित है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि मैं आईएएस बनूंगा तो मैं घर में बैठ जाऊंगा और आईएएस बन जाऊंगा, इम्पॉसिबल है। वहां पर कर्मा तो जरूरी है, लेकिन मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा सबसे पहले तो ये जरूरी है एस्ट्रोलॉजी से। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड तो है ना। जैसे कुछ कर्मा होते हैं जिसको हम कहते हैं दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्मा मीन्स आपका जन्म तय है कि किस जगह पर जन्म लेना है, उस सोल का जन्म स्थान तय होता है, वो होते हैं दृढ़ कर्म। मृत्यु स्थान तय होता है, मृत्यु का तरीका तय होता है, वो नहीं बदला जा सकता चाहे आप किसी भी तरह के कर्म क्यों ना कर लें, वो हम नहीं बदल सकते। तो उस कर्मों में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरा होता है दृढ़ कर्म। वो कर्म ऐसे होते हैं जैसे किसी को बहुत कष्ट भोगना लिखा है, मेरी कुंडली में दिख रहा है कि बहुत कष्ट पाना लिखा है, लेकिन मैं कुछ पूजा पाठ, कुछ अनुष्ठान, कुछ ध्यान साधना योग, इन सब से उन कर्म, उन जो कर्म मेरे पास लिखे हुए हैं उनको मैं उनकी खराबी को कम कर सकते हैं, पर ख़त्म नहीं कर सकते हम। कहा जाए कि अगर मेरे लिए कोई खराब दिशा लिखी है तो हम उसे पूरी तरह से ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर बदल सकता है, ना वो इंसान बदल सकता है, कम कर सकता है। पर एक कर्म होते हैं आदृढ़ कर्म जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे हम अपनी विल से, वहीं पर हमारी एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि फ्री विल यूज़ की जाती है, यहाँ पर उन्हीं को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर का रोल आता है कि आपको अगर हम कहें कि आप एक इंजीनियर हो और आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हो, अब आपको क्या करना चाहिए लाइफ में, है ना। आप जनरली ऐसा होता है कि हमारे समाज में पता है इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, ये सब का एक बहुत रेपुटेशन है। हाँ। तो वो नहीं चाहते हुए भी वो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे और उसके बाद एक जॉब करेंगे, है ना। लेकिन उसकी क्रिएटिविटी तो सिंगिंग में है। अब ये चीज़ एक एस्ट्रोलॉजर देख सकता है कि उसे क्या सिंगिंग की लाइन चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए, किस समय में चुननी चाहिए। हो सकता है जो समय वो चुन रहा हो वो समय उसके लिए उपयुक्त तो नहीं हो। अभी हम कहेंगे 2 साल रुक के आप इसे इस दिशा में चले जाओ, तो वो उसके लिए सही एक समय होगा, सही समय पर सही डिसीजन ले करके अपनी क्रिएटिविटी या अपनी पावर को यूज़ करना एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि आपको किस चीज़ को ज़्यादा अपना महत्व देना चाहिए। हाँ, तो आपने मैम कब से आपको इंटरेस्ट आया इन सब फील्ड में और कैसे? क्योंकि नॉर्मली आजकल के यूथ को इंटरेस्ट नहीं रहता है इन सब बातों पे, बिलीव ही नहीं रहता है। नहीं रहता तो है। आप उस टाइम पे कैसे, आपके माइंड में आया कि मुझे ये एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो जैसे सभी को रहता है, उतना मुझे भी था बचपन में। हाँ, तो, है ना। और मैंने भी, मैं तो साइंस से, मैंने एमएससी किया है जूलॉजी से, और उसके बाद मैंने बीएड किया, फिर मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स भी किया था सेरिकल्चर में, डिप्लोमा भी किया था मैसूर से। वो सब करने के बाद मैं एक हाउसवाइफ की तरह बहुत लंबा समय बिताई, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, बिहार की, मैं बाहर दूसरे स्टेट की थी और यहाँ पर आकर उतना हमारा कोई परिचित नहीं था, तो बच्चों को देखना मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैं पढ़ते रहती थी और बच्चों को पढ़ाते रहते थे। एक समय आया जब बच्चे अपने अपने में पढ़ना शुरू कर दिए। मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे थे तो उन्हें ज़रूरत नहीं हुई, मुझे 10th क्लास के बाद वो अपने से पढ़ने लगे, तो मैं थोड़ा बोरियत सा फील करने लगी, खालीपन सा फील करने लगी, थोड़े नकारात्मक विचार उस समय आने लगे। तो बस मुझे लगा कि थोड़ा मैं फाइटर टेंडेंसी की हूँ, मुझे
हारना पसंद नहीं है, किसी चीजों से हार के बैठ जाओ. और मैं ये संदेश जरूर महिलाओं को देना चाहूंगी कि लाइफ में कभी भी रो करके हार के नहीं बैठना चाहिए. एक हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है, मोस्टली वुमेन फेस करती हैं, मतलब ऐसा प्रॉब्लम फेस करती हैं कि घर पे भी हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि वो अंदर से हिम्मत हार जाती है. और तो वैसा एक बार समय आया खुद को यूजलेस फील करती हैं, चाहे एक स्टेज में लड़की हो या फिर औरत हो, कोई भी हो, एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब वो खुद को एक यूजलेस फील करती है. वैसा ही समय आया मेरे भी लाइफ में, तो मैंने सोचा कि नहीं, या तो इधर उधर टाइम पास करके या कुछ ऐसे किसी से गॉसिप करके टाइम बर्बाद करना नहीं चाहिए, वो नेगेटिविटी ही लाता है. तो मैंने सोचा कि चले कुछ पढ़ते हैं, तब बच्चे पढ़ते रहते थे, मैं भी पढ़ती रहूँगी. तो मैंने ऐसे ही कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए सोचा कि कहीं कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये. तो उसी खोज में मैंने थोड़ा बहुत ये पढ़ना शुरू किया और मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक संस्था भी है आइकस नाम से, वो पढ़ाते भी हैं. तो बस मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए ज्वाइन कर लिया. ज्वाइन करने में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया और मैं इसमें बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी रात के 2 बजे तक पढ़ते थे, साथ में बैठ के मैं भी पढ़ते रहती थी. और इसमें मैंने ऑल इंडिया लेवल पे टॉप भी कर लिया. जब गोल्ड मेडल मिला तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ है, कुछ पावर तो है जो मैं आगे कर सकती हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि मैंने 25 साल ऐसे या 20 साल ऐसे ही बिता दिए तो मेरे अंदर की क्षमता खत्म हो गई. वो क्षमता तो रहती है हमारे अंदर, हमें उसे निकालना होता है. बस वही मैंने निकाला और फिर बहुत काम किया इस फील्ड में. और उसके बाद तो फिर मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी का ये ऑफिस, अपना एस्ट्रो निर्माण खोला. उसके बाद से तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया ही होता है और अच्छा ही होता है. और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ जितनी भी ऐसी महिलाएं जो कि ऐसा सोच रही हैं कि मेरी लाइफ यहाँ पर आकर रुक गई है और मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, वो जुड़ें और पढ़ें और घर बैठे बैठे आराम से ये काम करें, उनको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप मैम पढ़ाती हैं क्या? चलो हाँ, एकदम पढ़ाते हैं. हमारी संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, ये संस्था है जहाँ 2 साल का कोर्स होता है और प्रॉपर क्लासरूम होती है, दो चार घंटे की पढ़ाई होती है हर हफ्ते में और हम लोग गाइड करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब आज आने वाले साल में 10-15 सालों में क्या फ्यूचर होगा? हाँ, एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अगर हम लोग के जनरेशन से भी यूथ अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको उनका फ्यूचर सिक्योर उसमें दिखेगा कि नहीं, तो आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है? आने वाले फ्यूचर में एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में निकल के आएगा. क्योंकि क्या है, आज की डेट में जो हम लोग कहते हैं ना कि एक है गुरु बुध जो ज्ञान का कारक ग्रह, एक होता है राहु, है ना. तो ये जो समय चल रहा है वो राहु का समय चल रहा है. राहु मीन्स टेक्नोलॉजी, है ना. तो अब क्या हो रहा है, ये जो गुरु बुध का संबंध राहु से हो जाना पहले के समय में खराब के रूप में माना जाता था, आज के समय में बहुत मॉडर्न तरीके से अपने ज्ञान को पहुंचाने का एक तरीका माध्यम बन गया है. और अब जो यूथ है, जो नई जनरेशन इसको कर रही है, जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, पढ़ भी रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो यंग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसको वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे लेके जा रहे हैं. क्योंकि अगर हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें तो मेरे पास लोग सीमित होंगे, जो मेरे आसपास हैं वो सीमित हो गए. लेकिन जब हम इसमें टेक्नोलॉजी का माध्यम बना करके इसको, इस शास्त्र का उपयोग करते हैं तो पूरी दुनिया मेरी क्लाइंट है. तो और आज की डेट में ऐसा हो गया है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी तो है, क्योंकि डिज़ायर बढ़ती जा रही है और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं. तो जैसे जैसे परेशानियाँ बढ़ेंगी एक एस्ट्रोलॉजर का रोल बढ़ता चला जाएगा. तो मुझे लगता है आज से 15 साल के बाद ये एक बहुत बड़ा, तो ज्यादातर डॉक्टर पे ही प्रेफर करते हैं अगर कुछ भी हुआ, अगर डिप्रेशन में भी लोग जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं. वो चेंजेस कब आएगा जब एक नहीं, चेंजेस आने लगे हैं, समझेंगे लोग, चेंजेस आने लगे हैं. आज ऐसा भी हो गया है कि एक डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ क्लाइंट हमारे पास आते हैं कि क्या हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं. तो अभी ही मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, बाहर से आए थे, वो बोले कि हम चाह रहे हैं कि रांची में इस बच्चे को दिखाएं. वो बच्चा इंजीनियर है तो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा है, तो रांची में इसको हम दिखा दें या
ये एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो जाएगा, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो सपोर्ट करे बच्चा तो। लेकिन एनर्जी जो ताकत होती है वो एस्ट्रोलॉजर का उसमें क्या मतलब ये रहता है, बट हाँ ताकत को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ किया जा रहा है। हाँ जैसे अगर आप बोलोगे कि जैसे मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बताती हूँ कि कोई व्यक्ति आता है अगर हमारे पास तो वो कुछ ख़राब उसकी लाइफ में हो रहा होता है तो आता है, है ना। तो एक दिशा में अगर ख़राब हो रहा है तो दूसरी दिशा कहीं ना कहीं अच्छी होगी उसकी, है ना। तो जैसे सारे ग्रह होते हैं, हर ग्रह की अलग अलग एनर्जी होती है। अब जुपिटर की एनर्जी होती है नॉलेज, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सेवा, है ना। मंगल की एनर्जी होती है फिजिकल एनर्जी या मेंटल एनर्जी, या जो कहा जाए कि उसका उसकी डिज़ायर या फिर उसके अंदर जो पावर है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, किसी चीज़ से लड़ने की क्षमता है, वो मंगल होता है। तो अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस कोई आए उसकी मैरिटल लाइफ बहुत ख़राब है, और मुझे दिख रहा है इनकी मैरिटल लाइफ में हम इम्प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ख़राब है वो सुख नहीं है लाइफ में। तो क्या वो इंसान जैसे रोते रहेगी, वो लेडी आई थी वो क्या रोती ही रहेंगी लाइफ में? नहीं, कोई तो दूसरी चीज़ ऐसी होगी जो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी डॉक्टर है और वो अपना क्लिनिक भी नहीं खोल रही थी, वो सिर्फ अपने फैमिली में ही रोते रोते ज़िंदगी काट रही थी। तब उसे हमने गाइड किया कि आप एक अपना क्लिनिक खोलो, एक अच्छा क्लिनिक खोलो और आप उसमें नेम फेम आपको मिलेगी। और बहुत मोटिवेट करने के बाद उसने अपना क्लिनिक खोला और आज पटना में वो बहुत बड़ा IVF का सेंटर चला रही है और बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। तो ऐसा है कि आप ये जो एनर्जी की बात की है कि अगर किस हाउस की एनर्जी अच्छी है, हम अगर उस व्यक्ति को उस हाउस की ओर मोटिवेट कर दें तो शायद उसकी लाइफ में बदलाव आ जाए। जो हाउस में ख़राब है उस हाउस में अगर वो अपनी ज़िंदगी का को धुरी बना ले अपनी ज़िंदगी की तो कभी ठीक नहीं होगा। तो वो एक तरीका होता है कुछ चीज़ों को बदलने का, तो हो सकता है अब उसकी मैरिटल लाइफ भी ठीक हो जाएगी क्योंकि उसका फोकस बदल चुका लाइफ के प्रति। तो हमें हम लोग का एक एस्ट्रोलॉजर का काम यही होता है कि उसका फोकस उस दिशा में लेके जाए जो उसकी कुंडली में अच्छा दिख रहा है, ना कि उस तरफ लेके जाए जो उसकी कुंडली में ख़राब है। दूसरी कई चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अलग अलग फल होते हैं। अब 12 भाव तो खराब नहीं हो सकते किसी कुंडली के, कोई तो 2 भाव अच्छे होंगे, कोई तो 3 भाव अच्छे होंगे। तो आप उसका फोकस उस तरफ लेके जाए और हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है, एक आध और क्लाइंट ऐसे भी आए थे जो जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत कुछ अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब तो रिटायर हो चुके थे, उसके बावजूद उनका जैसे कि हम लोग 12th हाउस कुंडली का एक भाव होता है द्वादश भाव, जो हॉस्पिटल भी होता है, जो जेल भी होता है, जो विदेश भी होता है, जो आश्रम भी होता है, है ना, जो चैरिटी भी होता है। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा हर वक्त तबीयत खराब हो रही है, बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और मेंटली बहुत टेंशन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस हाउस का दूसरा रोल अगर आप उसे दे देंगे, जैसे अगर हम बोलेंगे कि आप सेवा के लिए चले जाइए, आप किसी चैरिटेबल संस्था से जुड़ जाइए, आप किसी NGO से जुड़ जाइए, तो आपका वो चीज़ों में नकारात्मक चीज़ें घट जाएंगी। तो ये हम लोग को एक डायरेक्शन देने की बात होती है। अक्सर आप देखे होंगे वही हाउस जेल है और वही हाउस हॉस्पिटल है, अक्सर ऐसा देखेंगे वही हाउस विदेश है, नेता जेल में जाते हैं और हॉस्पिटल में ज़िंदगी कट जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं नेता या बहुत से अपराधी ऐसे हैं जिनको जेल जाते जाते विदेश चले जाते हैं, तो विदेश जाते हैं जेल से बच जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं जेल से बच जाते हैं, तो ये एक तरह से उसकी रेमेडी हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग भी उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका बहुत खर्चा करवा करके चीज़ों को मतलब बदलाव किया जाए। ये है तो मैं हाथ भी देखती है या सिर्फ फेस से रीड करके? हाथ भी देखती हूँ, फेस से रीड तो मैं उसके होने वाली घटनाएं नहीं करती, पर उसके जैसे नेचर को मैं रीड कर लेती हूँ। हाथ देख के बताना चाहेंगे मेरा? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगी। आपके हाथ में एक तो बहुत नर्वसनेस है थोड़ी, है ना,
नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है कभी कभी आप किसी चीज़ को लेकर के, कुंडली में भी वही चीज़ है और हाथ में भी वही चीज़ है कि तुम बहुत जल्दी थोड़े नर्वस हो जाते हो, बहुत इमोशनली ट्रीट करते हो चीज़ों को। जो डिसीजन प्रैक्टिकल होके लेना चाहिए वहाँ पर भी इमोशंस का यूज़ करने लगते हो। लाइफ में बहुत भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको अचीव नहीं होगी, भौतिक सुख सुविधाएं बहुत मिलेंगी और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी आप काम करते हो, मतलब आपके लाइफ का उद्देश्य भी है कि आपको लाइफ में बहुत सुख मिले, मतलब पैसा और भौतिक सुख, अच्छी गाड़ी, है ना, ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। खर्चीले बहुत हो, खर्च बहुत होता है, हाथ में पैसा रुकता नहीं पर पैसा रहेगा, लाइफ अच्छी है ना, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में कोई खराबी नहीं है, हाथ बहुत क्लीन है। तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो मन में होता है वो बाहर में होते हैं, इनके अंदर बहुत स्ट्रेटेजी नहीं चलती कि हाँ माइंड कुछ और काम करे और बोले कुछ और, ऐसा ऐसे व्यक्ति नहीं होते बहुत। लेकिन एक चीज़ है कि मून एंड विनस दोनों बहुत, मून भी उतना ही अच्छा है, विनस भी उतना ही अच्छा है, तो ऐसे लोग बहुत इमेजिनेशन क्रिएटिविटी पर बहुत जाते हैं और आपका इमेजिनेशन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है कुंडली में भी, तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में बहुत अच्छा करने वाले हो आप इस फील्ड में। खासतौर से यहाँ भी देख रही हूँ मैं और आपकी कुंडली में भी देख रही हूँ कि दोनों में जा करके कुछ विदेशी चीज़ों से भी जुड़ने का कुछ एक योग बन रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जा करके कुछ आप विदेश से भी कनेक्ट हो जाओ, है ना। तो और मैम इसमें वो कहते हैं शादी के लिए बीवी के लिए जो उसमें ऐसा बताते ना कि कैसा हाँ, रहता है वो शादी कैसी होती है, हाँ बिल्कुल पता चलता है कि शादी कैसी रहेगी, कैसी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, है ना, वैवाहिक सुख है या नहीं है, तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छा वैवाहिक सुख है, कोई भी समस्या नहीं है, वाइफ पढ़ी लिखी होगी, बहुत नॉलेजेबल होगी और ये हो सकता है कि सेम फील्ड से काम करती हुई होगी, है ना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देती। और अभी एक क्वेश्चन भी किया था कि तुम डायरेक्शन में भी जा सकते हो क्या, हाँ तो बिल्कुल पॉसिबल है कि डायरेक्ट मैसेज एज एस्ट्रोलॉजर देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को कि लोग, क्योंकि जो लोग देख भी रहेंगे उसमें भी इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये एक गलत है या जो भी, जो मैं जैसा बता रहा हूँ निगेटिव चीज के बारे में, तो एक कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल देना चाहूंगी, ये जरूर ध्यान करें, एस्ट्रोलॉजी तो बहुत परफेक्ट साइंस है लेकिन उसके लिए एक सही एस्ट्रोलॉजर का होना जरूरी है। आप जरूर जाएं क्योंकि आपका फ्यूचर में जो उतार चढ़ाव आने वाले हैं अगर आप उससे परिचित हो जाते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, ताकि आप उसमें कुछ सुधार करके अपनी चीज़ों को सही कर पाएंगे। लेकिन सही व्यक्ति का चुनाव करें, सही व्यक्ति का चुनाव इस तरह है कि उस व्यक्ति ने कहाँ से पढ़ाई की, उसकी जो डिग्री है या जो उसका सर्टिफिकेट है वो कितना ऑथेंटिक है और वो व्यक्ति खुद कितना समृद्ध है, कितना सही दिशा में सोचने वाला है, तभी उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। अन्यथा अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ा ही एक पंचांग उठा के सीख लिए हैं और बस बैठ गए हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके और एस्ट्रोलॉजी में मुझे भी बिलीव नहीं था, मैं मतलब सच सच बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा भी लगता था कि कुछ यकीन नहीं रहता था इन सब बातों पे, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरे बारे में बताया तो अंदर से मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे इतना जानना, और सच में कुंडली पे ऐसा बिलीव नहीं रहता था लेकिन अब धीरे धीरे बिलीव हो रहा है, और आपने जो बताया वो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एक अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको थोड़ा डीप जाने, और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में तो मैम से कॉन्टैक्ट करें, एस्ट्रो निर्वाण में पटना में है, बोरिंग रोड में, इनका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, थैंक यू सो मच।